फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर। और मैं हूं नीमा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसे काढ़े की रेसिपी जो मेरे सर्दी जुखाम में बहुत काम आता है, क्योंकि अगर मेरे घर में किसी को भी सर्दी जुखाम हो जाता है ना, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो, मैं उस काढ़े के 2-3 चम्मच छोटे बच्चों को और बड़े अगर हैं तो आधा ग्लास हम लोग पी लेते हैं और हमारा सर्दी जुखाम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इन्हें बनाया है 4 चीज़ों की मदद से, तुलसी, अदरक, लौंग और काली मिर्च। इन 4 चीज़ों की मदद से मैंने इस काढ़े को बनाया है। आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड रहता है तो इस काढ़े का कुछ चम्मच उन्हें ज़रूर पिलाइए। लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ कि बच्चों को पूरा एक गिलास पिला देना है, क्योंकि बच्चे पूरा एक गिलास नहीं पियेंगे, वो कुछ चम्मच ही पी पाएंगे। जैसे मैं अपनी बेटी को पिलाती हूँ हर 2-2 घंटे में 2-2 चम्मच, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ये काढ़ा स्पेशली अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें शहद मिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे मैंने इसमें अभी 1 चम्मच शहद मिलाया है, क्योंकि मैं ये अभी अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना ये सब चीज़ों का टेस्ट थोड़ा सा अजीब लग सकता है। अदरक तुलसी उन्हें खाने की आदत नहीं है, इसलिए उसका टेस्ट उन्हें अजीब लग सकता है। इसलिए उसमें शहद मिलाना बहुत ज़रूरी है, इससे उसे अच्छी सी मिठास मिल जाती है और एक अच्छा सा फ्लेवर मिल जाता है। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें शहद मिलाना बिल्कुल मत भूलिए। एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि इसे आपने पीना है हल्का गुनगुना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ठंडा आप इसे पी रहे हैं। और इसे पीने के 1 घंटे बाद तक आपने कुछ खाना पीना नहीं है। मतलब बच्चे को पिला रहे हैं तो ऐसा ना हो कि भाई आपने इसे पिलाया है और उसके बाद वो ठंडा पानी पी रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ना होने दें। तो इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी सर्दी जुकाम बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए पानी, अदरक, तुलसी, लौंग और काली मिर्च। मैंने लिया है 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 तुलसी के पत्ते, 4 लौंग और 5 काली मिर्च। इन्हें मैं बहुत अच्छे से ओखली में कूट लूंगी। अब मैंने बर्तन ले लिया है। इस बर्तन में मैं 1 छोटा गिलास पानी का डाल रही हूँ। जब वो पानी हल्का सा गर्म हो जाए तब मैं इसमें जो भी सामान मैंने कूटा है वो इसमें डाल लूंगी। और इसे बहुत अच्छे से हमें उबालना है। मतलब इसे इतनी देर के लिए आपने उबालना है कि ये 1 गिलास पानी सिर्फ आधा या चौथाई गिलास बचे। जब पानी में 1 उबाल आ जाए तब उसकी गैस कम कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए उसे पकने दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पानी का कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। 2 से 3 मिनट बाद आपका पानी आधा ही बचेगा, फिर इसकी गैस बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। अब मेरा पानी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे छान लूंगी और इसमें मिलाऊंगी 1 चम्मच शहद। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।